Hello, my dear friend. This lecture is in my own language, Urdu. And for an exchange. Assalamu alaikum. I am your host, Mukhtar Ahmad Khan. आपसे मुखातिब हैं री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टू एक्सपोर्टर। बरामद कुनंदगान के लिए प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस पर अपने लेक्चर के लिए इस तरह तरतीब देने पर और आपको पेश करने पर नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। मुख्तसर तौर पर प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की वजाहत करता हूँ मैं। बैन अल्कवाई मार्केट, तजारती मंडी और मालियाती पहलू की अहमियत को उजागर करेंगे। प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले तीन पॉइंट हैं इनके जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्री शिपमेंट फाइनेंस के अकसाम, मुख्तलिफ शक्लों पर तबादला ख्याल करें, जैसे पैकिंग क्रेडिट, लोन अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट, ड्यूटी के खराबियों के खिलाफ पेशकदमी और मुराद के खिलाफ पेशरफ्त। नंबर टू, मकसद और इस्तेमाल, किस तरह प्री शिपमेंट फाइनेंस बरामद कुनंदगान यानी एक्सपोर्टर को सामान के तरसील से पहले अखराजात को पूरा करने के मद में और लेबर की पेमेंट और कोई शॉर्ट फॉल हो इन हालात में फराम करते हैं। नंबर तीन, दस्तावेजात और तकाजे, प्री शिपमेंट फाइनेंस तक रसाई के लिए बरामद कुनंदगान को कागजी कार्रवाई और जरियात को पूरा करने की ज़रूरत है और वो बैंक से आप पूछ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है एज़ पर स्टेट बैंक मैनुअल एंड एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशन कि हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए। लोन अगेंस्ट पैकिंग क्रेडिट, लोन अगेंस्ट फॉरेन बिल एंड अदर पर्पज़ के लिए एक्सपोर्टर बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें इस मद में ज़रूरत है कुछ लोन की। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी किस्म पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की किस्म, बिलों में छूट, बरामदी बिलों की बातचीत और बरामदी बिलों की खरीदारी से जैसे तरीका दरियाफ्त करें। नंबर टू, फ़ायदे और दरख्वास्त, इस बात पर तबादला ख्याल किया जाता है कि सामान के तरसील के बाद शिपमेंट के बाद मालियात किस तरह बरामद कुंदगान को मदद फराम करता है। हकीकी दुनिया के मंजरनामों पर इसकी वजाहत करते हैं। नंबर तीन, ख़तरे से तख़फीफ, इस बात का पता लगाएं कि किस तरह पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस किस्म की पेमेंट में ताखीर के लिए बैंक से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं और इस मद में मुझे लोन दे दें सर्टेन परसेंट कुछ मार्जिन रख के, जब वो पेमेंट वहां से रिसीव करेंगे तो उसको इसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये कहते हैं लोन अगेंस्ट फॉरेन बिल। जब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बैंक रवाना कर देता है फॉरेन बैंक को, एलसी ओपनिंग बैंक को जो अब्रॉड बायर सिटिंग एंड अब्रॉड, तो वो जब डॉक्यूमेंट बैंक को लाके देता है एक्सपोर्टर, तो तमाम डॉक्यूमेंट एज पर एलसी टर्म एंड एलसी रिक्वायरमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स सेंड टू ओपनिंग बैंक हु कलेक्ट द जो कलेक्ट करेगा बाहर से पैसे और एक्सपोर्टर को तरसील करेगा, एक्सपोर्टर के हक में रिमिट करेगा वो। तो इस दरमियान के तफ़े में एक्सपोर्टर मजीद काम को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बैंक से पूछ सकता है कि हमें LFB और LAPC और इस तरह से एकोमोडेट किया जाए, जो कि स्टेट बैंक के मैनुअल रेगुलेशन के मुताबिक दी जाती है। जो डॉक्यूमेंट होगा वो बैंक आपसे ले लेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट फ्राम कर दें, ये डॉक्यूमेंट फ्राम कर दें, ये डॉक्यूमेंट फ्राम कर दें। उसके बाद आपको ये पैसे
बैंक आपको दे देगा जब वो रेमिटेंस वहाँ से रिसीव हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि हम तो ये अज्यूम किया हुआ है कि हमने डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लीन एंड सेफ तरीके से इम्पोर्टर बैंक को, ओपनिंग बैंक को भेज दिया है, बायर बैंक को भेज दिया है, बिकॉज वी आर सेलर, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सेलर हूँ। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट एज पर LC हम विद इन 7 डेज स्क्रूटनी के बाद प्रॉपरली मैच करते हुए हम इम्पोर्टर बैंक को वहाँ भेज देते हैं, जो कि LC ओपनिंग करता है हमारे फेवर में, यानी हमारे एक्सपोर्टर के फेवर में। देन अगेंस्ट दैट डॉक्यूमेंट, अगेंस्ट दैट लियन, वी कैन, हम उसे सर्टेन परसेंट मार्जिन रख के 20-30%, 60%, 40% एक्सपोर्टर के नीड को हम पूरा कर सकते हैं, ताकि वो मजीद माल बनाए और मजीद एक्सपोर्ट प्रोक्योर करे दूसरे कंट्री से। तो इसकी कंटिन्यूटी के, कंसिस्टेंसी के लिए या कंटिन्यूटी के लिए हम उसको एडवांस दिया जा सकता है एक्सपोर्टर को। तो दीज आर प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट कंडीशन, द टू कंडीशन, प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले मैन्युफैक्चरर को, बनाने वाले को, एक्सपोर्टर को कुछ रकम एडवांस दे देते हैं, ताकि जल्दी पैकिंग करे, लेबर को दे, यूटिलिटी बिल है, बिजली बिल है, गैस के बिल है, फैक्ट्री के चार्जेस हैं, कस्टम है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसे बना कर शिप कर दे। ये प्री शिपमेंट है। और पोस्ट शिपमेंट, जो शिपमेंट के बाद जब शिपमेंट कर देंगे तो एक्सपोर्टर सारे डॉक्यूमेंट ला कर बैंक को हवाले करेगा और बैंक रिक्वेस्ट करेगा बैंक से कि हमें कुछ एडवांस दे दिया जाए। दिस इज द पोस्ट शिपमेंट एंड प्री शिपमेंट एडवांस एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आप हजरात से गुजारिश है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें मेरे चैनल को बैंकर हजरात के दरमियान, और मुझे सब्सक्राइब कर दें, ओनली 1 सब्सक्राइब इज़ माई प्राइस, और सब्सक्राइब करने के बाद हमें कमेंट